देख बोल कट गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज इस वीडियो में हम अपना रियल लाइफ माइलेज टेस्ट करेंगे। पहले इसमें डीजल भरवाएंगे ऑटो कट तक, फिर उसके बाद चलाएंगे, फिर ऑटो कट तक भरवाएंगे, तो इससे हम माइलेज का टेस्ट करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। तो भाई अब इसमें डीजल डलवा लेंगे, यहाँ पे फुल करवा लेंगे इसको और फिर देखते हैं ये कितना चलेगी उसमें। जीरो कर लेंगे, एक बार एवरेज चेक करेंगे इसको 50-100 किलोमीटर चला के, उसके बाद देखते हैं फिर ये कितनी एवरेज देती है। एक बार फुल करवा लेंगे, फिर चलाएंगे इसको 40-50 किलोमीटर, उसके बाद फिर करवा लेंगे ऑटो कट तक। तो यहाँ पे फुल करवा लेते हैं इसको। इसको फुल करवा लेते हैं ऑटो कट तक। डीजल है 89.76। इसमें कितना डीजल आएगा अभी। तो हमने ये फुल करवा ली है, इसकी रेंज दिखा देता हूँ मैं। इसने दिखाई है 922 अभी आएगी यहाँ पे 922 किलोमीटर। तो मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ इसकी ट्रिप को। जीरो कर दे रहे हैं, देखते हैं कितनी चलेगी, फिर इसको फिर फुल करवाएंगे 50 किलोमीटर चलाने के बाद। यहाँ पे एक बार और करवा ले। तो इसको भी जीरो सेट कर देता हूँ, जो एक्युमुलेटेड होती है इसको भी जीरो पे कर देते हैं, इससे ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक दिन का दिखाती है, ये खाली आज का दिखाएगी। तो जो भी हम इसके एवरेज टेस्ट करेंगे वो करेंगे हम नॉन एसी में, विदाउट एसी, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो एसी नहीं चलाएंगे, तो वही चेक करेंगे, बताते हैं फिर आपको कितनी क्या निकाल के देती है। तो वही इसको मैं दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पे दिखा रही है 18 KMP की माइलेज। अभी मैंने दोबारा चलाई दी है 19.3 किलोमीटर और टोटल चल चुकी है 30 किलोमीटर। तो वहाँ पे 922 की रेंज दिखाई थी इसने, और तो इसमें घटे हैं 5 और 2 7 किलोमीटर घटे हैं, और 18 की माइलेज दिखा रही है इसमें ये जो एक्युमुलेटेड है। ये मैंने 30 किलोमीटर, इसको 20-30 किलोमीटर और चलाएंगे अभी, फिर दिखाते हैं 50 किलोमीटर के बाद, वो कर लेंगे हम इसको कि इसमें डीजल डलवाएंगे दोबारा से और फिर इसमें कितना डीजल आता है, और उस हिसाब से इसकी रेंज कैलकुलेटर के आपको बता दिया जाएगा। तो अभी वही है, 30 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें माइलेज दिखा रही है 17.8 की। तो अभी इसको 10-15 किलोमीटर और चलाते हैं, तो उसके बाद डीजल डलवा लेंगे, फिर पता चल जाएगा मैं इसमें कितना डीजल आया और इसने कितनी माइलेज निकाल के दी है, इससे भी कैलकुलेट, इससे ही पता चल जाएगा, और उससे भी कैलकुलेट करके देख लेंगे हम। ये चला चुके हैं हम 38 किलोमीटर और इसमें माइलेज दिखा रही है 18, तो अब वहाँ तक जाएंगे तो 39 किलोमीटर हो जाएंगे। तो इसमें डीजल डलवा लेते हैं दोबारा, पता चल जाएगा कितना डीजल पिया है इसने। तो अभी डीजल डलवा लेंगे इसमें। तो अभी ऑटो कट डाल दे इसमें, ऑटो कट तक डाल दे, ऑटो कट तक डाल दे जितना होगा, थोड़ा ही आएगा। देख बोल कट गया, सारा काट दिया यार तने। पता फल थी या मन नुगई थी, ऑटो कट तक आओगा इसमें बस। इमें डीजल आया होगा कम से कम भी, बस 2 लीटर भी नहीं आया होगा। यहाँ भाई पोपट हो गया,
तेल खिल गया सारा। यहाँ भाई पोपट हो गया, तेल खिल गया सारा। पूरी वीडियो खराब हो चुकी है, पता नहीं चलेगा अब कितने किलोमीटर की माइलेज ये निकाल के देगी। उसका सारा तेल नीचे गिर गया। तो क्या नाम है अब इसका बता नहीं पाएंगे हम। अब उसने तेल भी पूरा भर दिया इसमें, पता नहीं चलेगा। वैसे चल है शुगर जितना नोजल नहीं डूबी गया है उतना तेल यहाँ से कट मारा, तो नोजल इतनी डूब रही है, तो तेल तो यहाँ तक भर गया ना, तो उसके बाद खिंड गया ऐसे। तो इसने 750 का तेल डाल दिया, हमने उसको 600 रुपए दिए हैं, फुल कर दी इसने ऊपर तक। दो ढाई लीटर खिंड गया नीचे और 2.5 लीटर डीजल वेस्ट हो गया। तो अब इसकी माइलेज बता नहीं पाएंगे हम, नेक्स्ट टाइम फुल कराएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अलग ही कुछ हो गया ये, तो बिल्कुल अलग हो गया है, ना आपने सोचा होगा ना हमने, कट ही नहीं मारा मशीन ने। तो ये वीडियो मैं डाल दूंगा, आप देखना इस वीडियो को, इसमें दिखाई है 18 की माइलेज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।